तीसरा मॉडल जापानीज मॉडल। जापानीज मॉडल को भाई और कौन सा मॉडल बोलते हैं, ये निशान लगा लो आप। बिजनेस नेटवर्क मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना दिक्कत दोस्त, देखो इसमें कन्फ्यूजन होती है, लोग ना इसको बहुत गलत पढ़ा देते हैं और बच्चों को भी कन्फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, बुक में कुछ लिखा इस तरीके से है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर शेयर होल्डर ना वो बैंक्स होते हैं, बैंक और इंस्टीट्यूशन होते हैं, लार्ज फैमिली शेयर होल्डर एंड कॉरपोरेट विथ क्रॉस शेयर होल्डिंग्स। ये कम समझ में आएगा, अब मैं जो समझा रहा हूँ समझो, ये बुक की लैंग्वेज है, मेरे को मत बोलना भाई मेरी गलती है, ठीक है, बुक में ऐसा दे रखा है। ठीक है, देखो चलो समझते हैं, जैपनीज मॉडल में एक्चुअली होता क्या ना दोस्त, जापान की इकोनॉमी या वहां के हिसाब से क्या होता है ना, वो लोग लोन पे ज्यादा काम करते हैं, वो मालिकाना हक पे कम भरोसा रखते हैं। वहाँ की इकोनॉमी ऐसा चलती है कि ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस लोन पे चलाते हैं, डेट पे चलाते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बीच में बताया भी था, अभी पिछले टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, कि वो एक तरह से डेट इकोनॉमी ज़्यादा है। डेट इकोनॉमी मतलब लोग बैंक और इंस्टीट्यूशन से फंड उठाते हैं और फिर काम करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। तो अब क्या हो गया सर, जब ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं तो वहाँ के जो लॉज बने वो इस हिसाब से बने ताकि बैंक और इंस्टीट्यूशन को भी घाटा ना हो, तो उनके पास भी राइट होता है कि वो कंपनी में या कस्बे में ही उनके भी लोग बैठें और डिसीजन ले। पिछले मॉडल में क्या पड़ा था, शेयर होल्डर के भी लोग होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। जैपनीज मॉडल में क्या है दोस्त, क्योंकि डेट ज़्यादा लिया जाता है जापान में, या फिर इस मॉडल के हिसाब से जो भी ये मॉडल फॉलो करते हैं, वहाँ पर डेट ज़्यादा लेते हैं लोग, तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और बैंक का जिनसे कर्जा लिया जाता है उन लोगों के लोग भी बोर्ड में शामिल होते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब फीचर पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला, डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें, इसमें एक और पॉइंट याद रखना, रुको पहले मैं पॉइंट दिला देता हूँ। यहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को रखा जाता है कि तुम देख रेख करो भाई कंपनी सारा काम ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही। सर ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट के बीच में घुसेगी, इसलिए दोस्त क्योंकि इस पे ज़्यादातर, इसका पहला वाला पॉइंट पढ़ा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो सेकेंड पॉइंट है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहला वाला पॉइंट लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, ये वाला टॉपिक। रोल ऑफ बैंक, द मेन सोर्स ऑफ द फंड ऑफ जापान, मैं क्या देखो मैंने क्या बोला था, मोस्टली बैंक से लोग लोन लेते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ठीक है। तो उनका रोल ज़्यादा हो जाता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बोर्ड मेंबरशिप इन जापान फर्म इज फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड एज रिवॉर्ड टू लॉन्ग सर्विंग कमिटेड एम्प्लॉयज, नियरली 90% ऑफ डायरेक्टर आर सीनियर मैनेजर एंड फॉर्मर कंपनी ऑफ द एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो जापान की कंपनी होती है ना दोस्त, वहाँ पे ये नहीं बंदा एक दिन में छोड़ के चला जाता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है 2 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, हम लोग दूसरी कंपनी शिफ्ट कर लेते हैं, क्यों भाई, भाई वहाँ पे पैसा अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे सीखने को कुछ नया मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, जापान मॉडल में क्या है, एम्प्लॉयज़ वगैरह पे ऐसा इतना ध्यान दिया जाता है कि वो लोग छोड़ते नहीं है कंपनी, और उनके मैनेजमेंट में ज़्यादातर लोग पुराने ही बंदे मिलेंगे, सीनियर बंदे मिलेंगे, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादातर बहुत समय हो गया उस कंपनी में काम करते हुए। चौथा, कंटिजेंसी मॉडल, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सरसाइज एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी एज लॉन्ग एज कंपनी रन सक्सेसफुली। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया,
कहाँ गया? ठीक है, गवर्नमेंट के बंदे भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और बैंक के बंदे भी होते हैं। देखो इसमें लिखा नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम ये है। लिखा हुआ है देखो, इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर आर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लार्ज फैमिली विद क्रॉस शेयर होल्डिंग। यानी इस मॉडल में आपके बैंक के भी शेयर होल्डर्स, ओ सॉरी, बैंक भी एक तरह से शेयर होल्डर होता है और इनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, तो यानी बैंक का भी ध्यान रखा जाता है इसमें। अब ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इसमें सिंपल पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि बैंक बैंक होगा ना वैसा तो बीच में नहीं आएगा। बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है भाई तू सही से काम कर रही, तो मैं बीच में क्यों आऊं। लेकिन जहां बैंक को लगेगा कि भाई कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही, इसका मतलब ढंग से काम नहीं करेगी तो लोन मारा जाएगा, बैड डेट होने का चांसेस है, तब बैंक बीच में जरूर आएगा और गवर्नमेंट वाली एजेंसी गवर्नमेंट से भी बोल सकता है कि ये कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही, मेरा पैसा वापस करवाओ। ठीक है, ऑल द बैंक के मेंबर्स भी होंगे इसमें, बट इतना ज्यादा वो पंगे नहीं लेंगे जब तक कंपनी सक्सेसफुली काम कर रही है, जो भी उसे करना चाहिए, ग्रोथ सक्सेसफुली, ग्रोथ मार्केट में ग्रोथ हो रही है उसके और बिजनेस ऑपरेट कर रही है। अगला मॉडल द फैमिली बेस्ड मॉडल, नाम से समझ में आता है यार, जो फैमिली चलाती है। कहने का मतलब इंडिया में क्या चलता है, फैमिली बेस्ड मॉडल ज़्यादा चलता है ना इंडिया में। किसी कंपनी है, फिर बाद में उसके बच्चे की कंपनी हो जाएगी, वो उसके बच्चा उसका सीईओ बन जाएगा, ज़्यादातर मूवीज़ में अभी देखना होगा आपने। नहीं तो जिनके फादर बिजनेस वगैरह में, वो लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो सुन लो। इंडिया में क्या होता है कि किसी कंपनी है, उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, उसके बाद उसका बेटा संभालेगा, उसके बाद उसका बेटा संभालेगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं, जो डिजर्विंग है यानी जो सीईओ बन रहा है, जो एम्प्लॉय बना उसने कंपनी को और आगे बढ़ाया, फिर मैनेजर बना, फिर सीएफओ बना, फिर उसको आगे पोस्ट देनी चाहिए। लेकिन जनरली इंडिया में क्या होता है, ये मॉडल फॉलो करा जाता है, फैमिली बेस्ड मॉडल होता है, और फैमिली बेस्ड मॉडल में सब कुछ किसका चलता है, फैमिली का चलता है। ठीक है, और जनरली ये चीज़ कहाँ होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी में। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है सर, जनरली इसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना वो क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पे सारे डिसीजन उसी कंपनी के मालिकों के कहने पे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी उसी पे होता है, सारे डिसीजन भी उसी पे होते हैं। तो बहुत इजी पॉइंट है ये वाला, एक बार मैं मोटा मोटा ना आपको बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मुझे पता है बहुत कन्फ्यूजन है आज के, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मॉडल्स, एंग्लो सैक्सन मॉडल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्त, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, टाइम निकलता जा रहा है हमारा। आज से क्लास होनी चाहिए सिर्फ आधे घंटे की, लेकिन कन्फ्यूजिंग इतना है ना ये कि मुझे इतनी क्लास में इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, बट कोई नहीं, आपके हमेशा काम आएगा यार, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलो, एंग्लो सैक्सन मॉडल सबसे पहला मॉडल क्या होता है, एंग्लो सैक्सन मॉडल, या फिर एंग्लो अमेरिकन मॉडल, या फिर एक और नाम था इसका क्या था, एक्सटर्नल मॉडल। ये मॉडल एक्चुअली क्या कहता है, एक तरह से शेयर होल्डर की सुनता है, सारे डिसीजन शेयर होल्डर लेगा, शेयर होल्डर मैनेजर को अपॉइंट करेगा और मैनेजर बाकी अपने काम करेगा इस पर। ठीक है, वो अपनी जॉब परफॉर्म करेगा, कंपनी के बारे में सोचेगा, शेयर होल्डर का प्रॉफिट देगा और ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगला, जर्मन मॉडल, जर्मन मॉडल में क्या था, दो तरह, जर्मन मॉडल में क्या था कि शेयर होल्डर की भी चलेगी और एम्प्लॉय की भी चलेगी, तो एक मैनेजमेंट बोर्ड बनता है और एक सुपरवाइजरी बोर्ड बनता है। सुपरवाइजरी बोर्ड थोड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से भी ऊपर होता है। एक्चुअली मैं बताऊँ तो आपके लाइन डेफिनेशन में नहीं लिखा, बट मैं बता देता हूँ, सुपरवाइजरी बोर्ड के पास जो मैनेजमेंट बोर्ड है ना उससे ज़्यादा पावर होती है। कोई डिसीजन ऐसा होता है जो मैनेजमेंट बोर्ड लेता है, वो सुपरवाइजरी बोर्ड से पूछ के लेता है। ठीक है, सुपरवाइजरी बोर्ड से कई बार, ये जो मैनेजमेंट बोर्ड है ना, ये मैनेजमेंट बोर्ड सुपरवाइजरी बोर्ड से कुछ बड़े बड़े काम पूछा करता है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजरी बोर्ड में सबका इंटरेस्ट शामिल है, एम्प्लॉय का भी और उसका भी। किसका दोस्त? शेयर होल्डर का भी, क्योंकि इस वाले बोर्ड में एम्प्लॉय के बंदे ही बैठे हैं, एम्प्लॉय यूनियन के, लेबर यूनियन के बोल लो, या फिर एंड शेयर होल्डर के बंदे ही बैठे हैं। ठीक है, इस वाले बोर्ड में, इसलिए यहाँ पे दोनों को लेके चलना होता है और दोनों की सुनवाई होती है। अगला क्या था, जैपनीज मॉडल, जैपनीज मॉडल में क्या था, ज़्यादातर क्योंकि ये डेट मार्केट ज़्यादा, डेट बेस्ड कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं, यानी यहाँ पे डेट ज़्यादा लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट को देखरेख करनी पड़ती है, और बैंक के बंदे भी बैठते हैं इस काम में, मतलब इसके मैनेजमेंट में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपको बता दूं, इंडिया में भी होता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि कुछ बैंक जब ना बड़ा लोन देते हैं ना, तो क्या करते हैं मैनेजमेंट में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना बंदा भी बिठा देते हैं, एक बोर्ड ऑफ मेंबर बैंक का भी होता है, जिनको नहीं पता बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जैपनीज मॉडल में क्या होता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बड़ा रोल होता है, उनके लोग भी बैठ सकते हैं, ये भी बीच वो भी बीच में आ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, अगर उनको लग रहा है कि भाई सब कुछ काम कंपनी सही से काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, धंधा ग्रो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक वाले बीच में घुसेंगे ही नहीं तुमसे। लेकिन उनका कहीं डाउट होगा तो बैंक वाले भी घुस सकते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में बाधा डाल सकते हैं या फिर वो चेंज करवा सकते हैं। फैमिली बेस्ड मॉडल सबसे इजी मॉडल है कि फैमिली बेस्ड जो कंपनियां बनी हुई हैं, तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं, मालिक होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हीं का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला काम है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत है। अब इसमें ना मैंने एक चीज़ देखी थी, जैसे कि ऑडिट में मैंने आपको बोला कुछ मिसलेनियस चीज रह गई है, वो मैं लास्ट में आपको करा दूंगा, वैसे इसमें भी अगर मुझे लगेगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो मैं आपसे एक और अलग, मतलब इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ जो आपकी बुक्स में जनरली नहीं दे रखा और पेपर में आ जाता है, वो मैं एक मिसलेनियस क्लास के नाम से अपलोड कर दूंगा उसकी वीडियो भी, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ इसे पढ़ के ज़रूर आना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत कन्फ्यूजिंग है, और जितना मैं करा रहा हूँ उतना करना, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो आता भी नहीं है आपके पेपर में। आज का कंटेंट किसी को रेफर करना हो तो ज़्यादातर मैंने ज़्यादातर 10 ईयर्स उठाया है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को मन में डाउट भी आता, सर आज तक कहाँ से पढ़ाया, हमारे बुक में नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँ यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ सॉरी यार, मेरी गलती नहीं है, बुक ही आपकी ऐसी बनी हुई है, बुक्स ऐसी बनी हुई है मार्केट में ऐसी बुक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो जो मैंने बुक्स लगवाई है ना उसमें भी नहीं है इतना डीप, उसमें कुछ और ही चीज़ें रखी है कहीं कहीं पे, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, ठीक है। अब जैसे जो मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है सेक्शन 143 एंड 143(1), 143 सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के पॉइंट दे रखे थे, जबकि हमें DU के कोर्स में बड़ा जनरल पॉइंट है, तो अब बताओ उसके हिसाब से लिख दोगे आप, आपके नंबर नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा। अब तो बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था, तो इसलिए कभी कभी ना एक्स्ट्रा पढ़ाना भी बेकार होता है। ये वाला यहाँ पे देखो कितना अच्छे पॉइंट है, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, वो इजी पॉइंट भी हैं, लेकिन उस बुक में क्या दे रखे हैं आपके, दूसरे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं किसी को भी ये नहीं बोल सकता कि 100% यही फॉलो करो, 100% वही फॉलो करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से पढ़ना और यही फॉलो करना, विद 10 ईयर पढ़ना है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने कंटेंट दिया हुआ ना इससे पढ़ लोगे तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले दोस्त, ठीक है। बट होता क्या ना, जो लोग यूज टू नहीं है कंप्यूटर के सामने नोट्स पढ़ने में, उनको किताब चाहिए निशान लगाना है, उनको दिक्कत आती है इससे पढ़ने में, क्योंकि इसकी PDF तो आपको शेयर हो ही जाएगी बट इशू आएगा कुछ लोगों को, तो प्लीज़ इसको मैनेज करना। और अगर आपको कहीं और बुक मिल रही है सब कुछ रेफ़र कर सकते हो, अगर आप 3-3 बुक से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 150-200 पेज की DU की 2 बुकें हैं, ठीक है, आप 400 पेज के लगभग आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट में, इतना डीप जाके वो फ़ायदा रखेगा नहीं। तो इसीलिए जो मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, अगर किसी को नोट्स ही बनाने हैं तो अपने खुद के, अगर उनके पास टाइम है तो इसी को ही और शॉर्ट में आप बना सकते हो, और उस नोट्स में लिख सकते हो कि जैसे आपने टॉपिक लिख दिया आपने एंग्लो सेक्शन मॉडल, आप एंग्लो सेक्शन मॉडल लिख दो अपने रजिस्टर में, हाँ भाई एंग्लो सेक्शन मॉडल क्लास नंबर 8, 9, 10 जिसमें भी करवाया था, और इसके फीचर्स आप अपने रजिस्टर में शॉर्ट में लिख दो, वहीं पे बुक में अपने रजिस्टर में डेफिनेशन यहाँ से देख लो बड़ी बड़ी, ठीक है, PDF में खोल के, और फीचर्स
आप खुद शॉर्ट्स में बना के जो, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जब तक मैंने समझाया नहीं तब तक आपको समझ आते नहीं, लैंग्वेज इतनी तगड़ी है, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, उसको बस मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है बस, मैं ज़्यादा ईजी नहीं करता, कहीं कहीं पे ईजी करता हूँ, क्यों, क्योंकि बुक वाला लैंग्वेज लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बहुत सी जगह। और जनरल टॉपिक जैसे ऑडिटिंग के कुछ टॉपिक थे वहाँ पे दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है दोस्त, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ इसको पढ़ के ज़रूर आना, ज़रूर पढ़ना इसको, चलिए।